हेलो एंड वेलकम टू GST पाठशाला। GST पे वीडियोस तो बहुत देखे होंगे आपने, बट ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें नॉलेज तो है ही, बट नॉलेज के साथ में फ़न भी है। इस वीडियो में मैंने GST के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ MCQs टेकअप किए हैं। फन पार्ट ये है कि आंसर्स के हिंट भी इसी वीडियो में दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप हिंट्स देखिए। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स इसी स्लाइड में छुपे हुए हैं, तो एक बार आप आंसर्स के हिंट्स हैं वो ध्यान से देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस टेकअप करते हैं। ओके, तो आपने हिंट्स देख लिए ना। अब हम हमारा पहला क्वेश्चन टेकअप करते हैं। दिस कंट्री स्क्रैप्ड GST इन ईयर 2018। जहाँ सारी दूसरी कंट्रीज है वो GST इम्प्लीमेंट कर रही है, इस कंट्री ने GST को बाय-बाय कह दिया। कौन सी कंट्री है ये? फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर या न्यूजीलैंड? करेक्ट आंसर इज मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट द फर्स्ट रोल आउट ऑफ GST वॉज अनाउंस्ड बाय मिस्टर पी चिदम्बरम? आपको पता ही होगा कि सबसे पहली बार जो यूनियन बजट 2007-8 था उसमें मिस्टर पी चिदम्बरम ने अनाउंस किया था कि हम GST लेकर आने वाले हैं। उन्होंने उस बजट में कौन सी डेट बताई थी? 1 अप्रैल 2009, 1 जुलाई 2009, 1 अप्रैल 2010 या 1 जुलाई 2010? द करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट, द केलकर कमिटी विच मेड रिकमेंडेशंस ऑफ GST वॉज हेडेड बाय? जी हाँ, केलकर कमिटी के जो हेड थे उनका क्या नाम था? श्याम केलकर, शरद केलकर, विमल केलकर या विजय केलकर? करेक्ट आंसर इज डी, विजय केलकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंट्री फॉलोज सिंगल GST मॉडल। आपको पता होगा GST दो तरह का होता है, एक सिंगल GST मॉडल होता है यानी कि नेशनल GST और एक ड्यूअल GST मॉडल। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री है जो सिंगल GST मॉडल को फॉलो करती है? स्पेन, सिंगापुर, स्पेन और सिंगापुर दोनों, या दोनों में से एक भी नहीं? करेक्ट आंसर इज सी, बोथ स्पेन एंड सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। स्टेटमेंट वन इज GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। स्टेटमेंट टू इज इट इज पेड बाय कंज्यूमर्स। अब आपको इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आ रही है ना सी इंस्टीट्यूट वाली फीलिंग, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। यस, GST है वो कंज्यूमर्स पे नहीं करते हैं, पे तो सप्लायर करता है, इंसिडेंस बियर करते हैं कंज्यूमर्स, इसलिए स्टेटमेंट टू है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट वन तो आपको पता ही है कि करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो ड्यूअल GST मॉडल? कौन सी कंट्री है जो ड्यूअल GST मॉडल को फॉलो करती है? ब्राज़ील, USA, फ्रांस, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज ए, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव नॉट बीन सब्ज्यूम्ड अंडर GST? फर्स्ट कस्टम ड्यूटी, सेकेंड एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज, थर्ड स्टेट एक्साइज ड्यूटी, फोर्थ CST। एंड द ऑप्शंस आर ए ओनली वन यानी कि ओनली कस्टम ड्यूटी, बी ओनली वन एंड टू यानी कि कस्टम्स ड्यूटी एंड एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज, सी ओनली वन एंड थ्री दैट इज कस्टम ड्यूटी एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी,
and D only 1, 2 and 3. That is custom duty and entertainment tax levied by local authorities and state excise duty. The correct answer is D. Yes, custom duty GST में सब्ज्यूम नहीं हुई है, entertainment tax levied by local authorities भी नहीं हुआ है और state excise duty भी नहीं हुआ है. आपको पता होगा कि pre-GST regime में एंटरटेनमेंट टैक्स जो था ऑल ओवर इंडिया में दो तरीके से लेवी होता था. कुछ स्टेट्स थे वहाँ पे तो स्टेट्स खुद ही लेवी करते थे एंटरटेनमेंट टैक्स को, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज एम्पावर्ड थी लेवी करने के लिए. तो जीएसटी आने के बाद में ऐसे स्टेट्स जो खुद लेवी करते थे एंटरटेनमेंट टैक्स को, वो जो कंसेप्ट था वो तो पूरा के पूरा सब्ज्यूम हो गया है जीएसटी में. बट जहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल अथॉरिटीज लेवी कर रही थी जीएसटी के आने के बाद में भी, आज भी वही सीन है. वहाँ उन सारे स्टेट्स में लोकल बॉडीज आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करती है, ये जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल इज एट दिस सिटी. जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कौन से सिटी में है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर. करेक्ट आंसर इज ए. जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेटेज ऑफ वोट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज 1/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट, 1/2 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट, 2/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट एंड 1/4 or 1/4 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट. हाँ, जब भी जीएसटी काउंसिल का डिसीजन होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का मिलाकर क्या वेटेज रहेगा? इट इज 2/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट. 1/3 होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 2/3 है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा. दिस बिल वॉज कन्वर्टेड इंटू Constitution 101st Amendment Act 2016, which laid the foundation of GST in India. Constitution 122nd Amendment Bill 2016, Constitution 101st Amendment Bill 2016, Constitution 101st Amendment Bill 2014, or Constitution 122nd Amendment Bill 2014. Okay, typical hai thoda sa. आप लोगों को पता होगा कोई भी एक्ट है वो एक्ट बनने से पहले क्या होता है, एक बिल टेबल करते हैं पार्लियामेंट में. वो बिल पहले लोकसभा से पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ से रेटिफिकेशन के लिए वापस वो लोकसभा में आता है और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए जाता है. ये इतना लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद में ही एक बिल होता है वो एक्ट बनता है. और आपको ये भी पता होगा कि कुछ बिल्स होते हैं वो कभी भी एक्ट बन ही नहीं पाते क्योंकि वो कभी भी पार्लियामेंट से पास ही नहीं हो पाते. तो अब थोड़ा सा हिंट मिला. ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी. कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014. ओके, डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि इनके बीच में कुछ ऐसे भी बिल्स होंगे जो अभी भी पेंडिंग ही पड़े होंगे. ये पहले एक्ट बन गया तो इसका जो सीरियल नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का वो 101st हो गया है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं और भी लेकर आती रहूँगी. दिस इज़ CA प्रीति परिहार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. बाय एंड डोंट फॉरगेट, GST इज़ लव. Thank you for watching.